पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। उस परमात्मा की भक्ति प्राप्त नहीं हुई ऋषि महर्षियों को और ये वेद ज्ञान को समझ नहीं सके, और जिस कारण से ये जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग में उलझे रहे, फंसे रहे, इससे ग्रस्त रहे और अन्य को भी इन्होंने इसी फांसी में फंसा दिया। इन्होंने साधनाएं की ओम नाम के जाप से और हठ योग किया, एक आकाशवाणी की थी काल ने, ब्रह्म ने अपने पुत्र ब्रह्मा के लिए। जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर विराजमान थे, ये सचेत कर दिए, बेहोश कर रखे थे पहले इस काल ने। जब ये सचेत हुए, होश में आए, ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ से जन्म हुआ, मेरा कौन जनक है, मेरा क्या उद्देश्य है, कमल के फूल पर मैं कहाँ से आटिका। तब आकाशवाणी हुई कि तप करो, तप करो। इस काल भगवान ने आकाशवाणी कर दी इनको मूर्ख बनाने के लिए, अपने जाल में फंसाए रखने के लिए। वेदों से न्यारा ज्ञान अपनी तरफ से अपना मत पर प्रोड्यूस कर दिया इनके अंदर। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तप किया, जब इसकी बैटरी चार्ज होगी, इसमें सिद्धियां आ गई, तो रिमोट इस काल के पास है इनका। तब कहा कि अब तुम सृष्टि करो। अब ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है सभी को, विष्णु जी को, शिव जी को और सभी ऋषि और महर्षियों को। अब ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान के आधार से ब्रह्मा जी ने इनको मिसगाइड कर दिया, क्योंकि वह स्वयं भी भ्रमित था। इन्होंने कहा कि परमात्मा की आकाशवाणी हुई थी, मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, मेरे अंदर बहुत पावर आ गई, शक्ति आ गई, वचन से भी उत्पत्तियां होने लगी और भी बहुत सी क्रियाएं अपने आप होने लगी, और ओम नाम का जाप वेदों में फाइनल मंत्र है। इस ज्ञान के आधार से ऋषि महर्षि साधकों ने 1000 वर्षों तक साधनाएं की, हठ योग किए, क्योंकि सतयुग में लाखों वर्ष की आयु होती है, उनको परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। अन्य सिद्धियां आ गई, उन सिद्धियों को प्राप्त करके ये स्वयं ही प्रभु पा गए। जैसे दुर्वासा जी के पास सिद्धि थी, उसके वचन में इतनी शक्ति होगी, किसी का ये कह दे तेरा विनाश होगा, उसका विनाश हो जाता। अब जैसे अगस्त ऋषि को उपलब्धि होगी, उसने 7 सागरों को एक ही घूंट में, समुद्रों को पी लिया, आकाश में उड़ जाने की सिद्धियां होगी, एकदम अंतर ध्यान हो जाने की सिद्धियां होगी। इस प्रकार से ये अन्य व्यक्तियों से कुछ अटपटे से हो गए, जिस कारण से इनको हमने मैं ऋषि मान लिया, लेकिन ये काल के द्वारा भ्रमित और अपना जीवन नष्ट करते रहे। अब गीताजी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन, ये मेरा वास्तविक रूप है, मैं काल हूँ, गर्म अध्याय के 32वें श्लोक में स्पष्ट किया है, और मेरी प्राप्ति, मेरे इस स्वरूप के दर्शन ना तो पहले कोई कर सका तेरे अतिरिक्त और ना आगे कोई कर सकता। अब मैंने अपनी कृपा से तुझे ये सब कुछ अपना शरीर, अपना रूप दिखाया है, और मेरी प्राप्ति यानी मेरे इस रूप के दर्शन, ब्रह्म की प्राप्ति ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रियाओं से कभी नहीं हो सकती। तो इसने तो किल्ली काट दी, स्पष्ट कर दिया कि मेरी प्राप्ति यानी ब्रह्म प्राप्ति नहीं है। अब ऋषि महर्षियों ने वही जाप की जो काल ने इनको दे रखे थे, उससे इन ब्रह्म प्राप्ति हुई नहीं। इन्होंने अपने अनुभव की पुस्तकें उपनिष्ठ बना डाले, परमात्मा निराकार है, और किसी ने परमात्मा को साकार भी बताने की चेष्टा की तो क्या बताया कि जो भी आपको दृष्टि गोचर है
ये पृथ्वी पहाड़ सूर्य चांद सितारे ग्रह ये परमात्मा का साकार रूप बता दिया। और आज तक यही अज्ञान आधार सबके अंदर भरा पड़ा था। अब पुण्यात्माओं, गीता ज्ञान दाता और वेद ज्ञान दाता ये ब्रह्म है। ये स्वयं कहता है कि उस परमात्म तत्व की जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताएंगे, वो इन्हें मिला नहीं, वो इनको मिले नहीं, और मिले तो इन्होंने माना नहीं। क्योंकि परमेश्वर कबीर देव जी ये हमारे सबके मालिक हैं, और यही यहां हमें इस यथार्थ ज्ञान को, सूक्ष्म वेद को जो काल ने नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया, उसको पुनः देने के लिए, बताने के लिए आते हैं। तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम यहां किस लिए जीवित हो, एक पल में ना जाने किसकी मृत्यु हो जावे, और तुम्हें मूर्ख बना रखा है, ये तुम्हारी कार है, ये तुम्हारी कोठी है, ये तुम्हारी संपत्ति है, और ऐसा नहीं करोगे तो डरा के रखता है ये मन सबको, इस आत्मा को भयभीत रखता है, तेरा विनाश हो जाएगा, तू ऐसा नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा, सत्संग में जाएगा तो पीछे से हानि हो जाएगी, और वो हानि तो एक दिन होनी है, जब भगवान से दूर रहे तो मृत्यु हो जाएगी, फिर वो जिस लाभ के लिए सारा जीवन खो दिया वो परमानेंट खत्म हुआ। तो इन बातों को हमने गहराई से सोचना पड़ेगा। सत्संग में आने से आपको ज्ञान होता है, सत्संग में आने से आपको ज्ञान होता है, और वो परमात्मा द्वारा दिया हुआ, परमेश्वर द्वारा दिया हुआ ज्ञान उन्हीं की अमृतवाणी में आपको सुनाया जाता है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, जो पांचवा वेद है, उसके आधार से परमात्मा हमें बताते हैं कि तुम जो साधनाएं करते हो, जिस लोक में रह रहे हो, ये काल का लोक है, और यहां कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। परमात्मा स्वयं आए, कबीर देव जी चारों युगों में आते हैं, सतयुग में सत्सुकृत नाम से प्रसिद्ध होते हैं, और पूरे युग में सत्सुकृत नाम के महापुरुष के नाम से जाने जाते हैं, ऋषि के नाम से, त्रेता युग में मुनिंदर नाम से उनकी प्रसिद्धि होती है, और द्वापर युग में करुणामय नाम से, और कलियुग के अंदर उन कबीर नाम से, उनके वास्तविक नाम से ही वो प्रकट होते हैं, यही नाम रखवाते हैं, जो उनका वास्तविक नाम है कबीर देव, कबीर साहब। अपने आत्मा परमात्मा वैसे भी अन्य कई रूपों में प्रकट होते रहते हैं, लेकिन कबीर देव जो उनका नाम है ये इस युग में प्रसिद्ध रहेगा, इसके इक्विवेलेंट और कोई प्रसिद्धि परमात्मा की नहीं होगी। परमात्मा के ज्ञान के प्रसार बहुत कुछ होंगे, उससे हमें लाभ भी बहुत मिलेगा, लेकिन परमात्मा का नाम कबीर देव ही चलेगा कलयुग में। तो चारों युगों में आकर के परमेश्वर ने ज्ञान तो हमें दिया, लेकिन इस काल ने हमें स्वीकार नहीं करने दिया। अब वो परमेश्वर अपने सतलोक शाश्वत स्थान से चलकर आते हैं, सनातन परम धाम से चलकर आते हैं। उस सनातन परम धाम में, सतलोक में कोई कष्ट प्राणी को नहीं होता, वहां जरा और मरण नहीं है, जरा मीन बुढ़ापा, मरण मीन मृत्यु, वहां जरा मरण नहीं है, वहां कष्ट कोई नहीं किसी के शरीर में, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। उस लोक में हमें जाने से लाभ होगा, सर्वसुख होंगे, उसका भेद काल ने छुपा दिया और ऑप्शन छोड़ दिया कि उसको तो तत्वदर्शी संत बता सकते हैं, उनसे पूछ लो, मुझे नहीं मालूम। अब परमात्मा सतलोक से चलकर गति करके आते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को अपने विषय में पुनः जानकारी देते हैं। हमने प्रभु की परिभाषा पढ़ रखी है कि वो निराकार है। परमात्मा आते थे, स्वयं कहते थे मैं परमेश्वर हूं, सारी सृष्टि का रचनहार हूं, मेरा नाम कबीर है, कबीर देव, जो वेदों में तुम कबीर देव पढ़ते हो वो मैं ही हूं,
और कुरान शरीफ में जो तुम अल्लाह अकबर कबीरा कबीरा पढ़ते हो वो भी मैं ही हूँ, मेरी ही महिमा का गुणगान है। लेकिन सभी धर्मों के धार्मिक व्यक्ति भ्रमित हैं, सभी परमात्मा को निराकार मान रहे हैं और प्रत्येक ने शास्त्र विर साधना करके कंप्लीट साधना ना मिलने से, पूर्ण साधना ना मिलने से, भक्ति ना मिलने से बहुत कुछ ट्राई की, प्रयत्न किए, परमात्मा ना मिलने से ये बात अपना अनुभव पूरे समाज में प्रोड्यूस कर दिया, पूरे समाज में भर दिया कि परमात्मा निराकार है। तो परमेश्वर सतलोक से चलकर आते हैं, सनातन परमधाम से चलकर आते हैं, जहाँ जाने के बाद प्राणी को फिर कष्ट नहीं होता। इसी का समर्थन गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता, अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने विषय में कहता अर्जुन 7वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में अपने विषय में कहता अर्जुन, मेरी भक्ति कर तो मुझे ही प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध तो करना ही पड़ेगा, युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि उस तत्परम से परिचित और पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित, सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, इस संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। अब अर्जुन पूछता है 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में ये बहुत विस्तार से जानकारी दी गई है। तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई गई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो बता देगा, जैसे अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, निरंजन कहते हैं सर्व पुरुष को। दूसरे शब्दों में हम कहे कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर्व पुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात्र रूप संसार। पेड़ हम कहते हैं जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, पृथ्वी से बाहर दिखाई देता है, उसको पेड़ बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं। और जमीन में जो गुप्त है, प्रोक्ष है, वो जड़ है, वो मूल है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, जो प्रोक्ष है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में ये गीता ज्ञानदाता अपनी भी जानकारी देता है कि मैं तो ऊपर खम ब्रह्म, अहम खम ब्रह्म ओम, मेरा ओम नाम है, और खम माने ऊपर स्वर्ग में, यानी अंतरिक्ष में, स्वर्ग में, महास्वर्ग में, यानी ब्रह्मलोक में मैं रहता हूँ, और वो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, प्रोक्ष है। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में लिखा कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा, पत्तों सहित, जड़ से लेकर पत्तों तक, तना कौन भगवान है फॉर एग्जाम्पल है, और जड़ कौन भगवान है इस संसार रूपी वृक्ष की, जड़ मीन जिससे सभी क्रियाएं हों, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई हो, जो सबका जनक है और सबका धारण पोषण करने वाला, सबका पिता है, वो जड़ रूपी परमात्मा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और तना जो है ये अक्षर ब्रह्म है, और उससे निकली हुई मोटी डार समझो ये सर्व ब्रह्म है, और उस सर्व ब्रह्म का यानी उस डार का 3 शाखाएं हैं, ये रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी शाखाएं हैं, और हम पात रूप संसार। तो परमात्मा ने आकर बताई थी सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उस तत्व ज्ञान में बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार,
और तीनों देवा साखा है, ये पात्र संसार। गीता ज्ञान दाता कहता है कि जब तुझे तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जाए, उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात वह पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं, उनके सब संकट मिट जाते हैं। और फिर कहता है कि जिस परमेश्वर ने अपने से अन्य परमेश्वर के बारे में कह रहा है कि जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सभी ब्रह्मांडों की रचना, सभी आत्माओं की रचना की है, और उसी की भक्ति कर, नथिंग एल्स। गीता ज्ञान दाता कहता है कि उसी की भक्ति कर, मैं भी उसी की शरण में हूं और सबकी पूजाएं त्याग दे तू। 15वें अध्याय के 16 और 17 में तीन प्रभु, सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, सर्वब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, इन तीनों की जानकारी विस्तार से है। अपुणात्मा गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञान दाता कहता है मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन शांति कति नहीं, युद्ध भी करना होगा, युद्ध भी कर मेरा स्मरण भी कर। और यदि गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तुम परम शांति चाहिए, सनातन परम धाम चाहिए, तो उस परमेश्वर की शरण में जा। किसकी में? परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। अपनी साधना बताता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तदम देहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और इसका सुमरण कर अंतिम श्वास तक, इससे ओम नाम से मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्म लोक प्राप्ति होगी। लेकिन ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं, पूर्ण मोक्ष नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16। यहां अनुवादकर्ताओं ने थोड़ी सी गड़बड़ी कर रखी है, उन्होंने अनुवाद ये कर दिया कि ब्रह्म लोक पर्यंत, ये तो ठीक कर दिया कि गए हुए प्राणी भी पुनर्वृत्ति में है, अनुवाद उन्होंने वहां कर गलत कर रखा है कि मुझे प्राप्त प्राणी का फिर पुनर्जन्म नहीं होता। नहीं, उसका अर्थ ये बनता है कि जो ये नहीं जानते कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी सभी पुनरावर्ती में है, वो मुझे प्राप्त भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। न विद्यते, विद्य का अर्थ जानना होता है, जानना भी होता है, एक अक्षर का केवल एक ही अर्थ नहीं होता। इन्होंने विद्य माने नहीं होता, ये विद्य माने होना लिख दिया, विद्य माने जानना भी होता है। तो ये नहीं जानते जो कि मेरे प्राप्त प्राणी भी का पुनर्जन्म होता है, तो वो ब्रह्म लोक तक जाते हैं, वहां जाकर भी फिर वापस पुनरावृत्ति में ही रहते हैं। इसलिए तो उसने कहा कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, 2 अध्याय के 12वें श्लोक में गीता जी ने स्पष्ट किया इसने, और 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कि मेरी उत्पत्ति को, मेरा जन्म तो होता है लेकिन मेरे जन्म को ये ऋषि, महर्षि, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये ऋषि नहीं जानते क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए। अब पिता के जन्म को संतान नहीं बता सकती, पिता के जन्म को दादाजी बता सकते हैं। तो उस दादाजी ने यानी हम सबके मालिक ने, कबीर देव ने, परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं यहाँ आकर के ये सर्व ब्रह्मांडों की रचना कैसे हुई और वो सब ज्ञान सृष्टि रचना में हमें बताया। लेकिन हमने लोकवेद बहुत सुन रखा था, परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को हम स्वीकार करने में असमर्थ रहे। अब परमात्मा ने हमें समर्थ कर दिया, हमें शिक्षित कर दिया, हम काल के द्वारा भ्रमित उन ऋषि गुरुओं पर आधारित नहीं रहे, हम स्वयं अपने सदग्रंथों को पढ़ और पढ़ा रहे हैं और भगवान को पहचान रहे हैं। परमात्मा का पहचानना कठिन है, परमात्मा का पाना, मोक्ष कराना बहुत आसान है। अब यहाँ गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ। ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म का, के स्मरण का, उसके पाने का, तीन मंत्र का जाप है, ओम तत् सत। ओम तो सर्वपुरुष का, ब्रह्म का, और तत् और सत ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष का है।
और सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर पुरुष का, परम अक्षर ब्रह्म का। इन तीनों मंत्रों के जाप से परमात्मा प्राप्ति होगी, परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होगी। केवल ओम नाम का जाप करने से ब्रह्मलोक प्राप्ति होगा। जैसे कोई जड़ी है, कोई भी एक जड़ी है, जैसे हरड़ है या सौंठ है या कोई अन्य जड़ी है, उसको अकेली को खाने से उसका कुछ अन्य लाभ होता है, और उसको दो तीन जड़ियों में मिला दिया जाए उसका कुछ और ही प्रारूप बदल जाता है, गुण में वृद्धि हो जाती है, अलग से क्रिया करता है। तो ऐसे ये अकेला ओम का नाम जब जाप किया जाता है तो वो ब्रह्म लोक तक प्राप्ति होती है, ब्रह्म तक की परम गति को प्राप्त होता है। और जिसको गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ऋषि जन, ऋषि महर्षि जो ज्ञानी आत्मा है, वो हैं तो उदार, जो चौथे नंबर के हैं, एक अर्थात एक आरत, एक अर्थार्थी, तीसरा जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी। ये ज्ञानी हैं तो उदार आत्मा, लेकिन ये मेरे वाली अनुतमाम अनुतमाम मैंने कति अश्रेष्ठ गति में ही ये आस्थित रहे, आश्रित रहे, लेकिन ये आत्मा बहुत अच्छी है, भगवान के लिए समर्पित है, लेकिन मेरे वाली गति में ही ये आश्रित रहे। मेरे वाली घटिया, इन्होंने अनुतमाम का अर्थ अति श्रेष्ठ लिख दिया है, तरह गजब भैया। अरे बैड का अर्थ अंग्रेजी में कोई गुड लिखा है, उसके साथ मूर्ख नहीं, लेकिन ये समझ नहीं सके कि भगवान अपनी साधना को अनुतम नहीं कह सकता, लेकिन भगवान ये झूठ भी नहीं बोल सकता, उस परमेश्वर से डरता हुआ इन्हें सच्चाई भी बतानी पड़ी। तो प्रसंग चल रहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है, उस सचिदानंद घन ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म के पाणे का ये तीन मंत्र का जाप है। आए है, ये तीन मंत्र की मजदूरी है, साधना है, इस क्रियाओं के करने से परमात्मा मिलेगा। यानी जैसे औषधियां बनाई गई है कई जड़ी मिलाकर के, उसको खाने से रोग नाश होगा ये समझना। इस मंत्र के जाप करने से विधि वशदास से प्राप्त करके, अन्य वैसे नहीं अपनी मर्जी से या किसी सिरफरे से लेकर के, इसका कोई लाभ नहीं होगा। अधिकारी बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो इस दास से लेकर के तुम इसका जाप करोगे तो आपका जन्म और मरण का ये रोग कटेगा और परमात्मा मिल जाएगा, स्वस्थ हो जाओगे। अपने आत्मा 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो ये खुद कहता है, मेरा भजन कर, मेरा जाप कर, मेरा श्रवण कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अपना मंत्र ओम बता रखे है, मुझ ब्रह्म का ओम मंत्र है, एक अक्षर का। और फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में उस सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने का मार्ग है ये। तत् और सत ये गुप्त हैं, इससे ये काल परिचित नहीं है इन दो मंत्रों से, इसलिए इसने ऑप्शन छोड़ दिया है 4वें अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्व ज्ञान को, परमात्म तत्व को, परमात्मा के बारे में विशेष जानकारी को तत्वदर्शी संतों से जाकर समझो, वो बताएंगे। तो ये कोड वर्ड है, ये दास बता सकता है, इस पृथ्वी पर किसी के पास ये मंत्र नहीं है, और किसी सिरफरे ने इस दास से प्राप्त करके और फिर वो कहीं बता भी देता है तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, उसका भी नाम नष्ट हो जाता है, क्योंकि तो ये आध्यात्मिक मार्ग है। और काल ये चाहता है कि कोई एक दो ऐसा सिरफरा तैयार कर दूं जो औरों का विनाश कर दे, लेकिन अब आप समझदार हो, शिक्षित हो, अब इस भूल को नहीं करना, अनाधिकारी से ये प्राप्त करके मंत्र अपना जीवन नष्ट ना करना। अब यहाँ क्या बताया है कि उस परम अक्षर ब्रह्म के पाणे का ये तीन मंत्र का जाप है। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, जिस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है, यदि उसकी साधना करनी है, उसकी साधना करने वाला उसी को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहता है, मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, तुझे शांति कति नहीं, युद्ध करना होगा, युद्ध भी कर। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तूने परम शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी ही कृपा से तू सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, परम शांति को प्राप्त होगा। और 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में यही प्रमाण कर रहा है कि उसकी भक्ति करने वाला अंत समय में, अंत समय तक, यानी साधना एक जैसी ही है,
कोई यूं सोचे कि अभी मैं समाधिस्थ हो जाऊं, परमात्मा के ऊपर देखकर वापस आ जाऊं, तो उससे वापस देख भी आए तो वापस भी आएंगे। साधना पूरी ना हुई तो फिर अड़े धक्के खाओगे। अब बच्चा स्टूडेंट पढ़ रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहा है विद्यालय में, और वो ये पूछता है कि मैं आईएएस कर रहा हूँ, आईएएस करके क्या लगूंगा, डिप्टी कमिश्नर लगूंगा, एक बार देख कर आता हूँ कैसा होता है डिप्टी कमिश्नर, कैसा ऑफिस होता है। वहाँ देख भी आया और वापस आ गया, पढ़ाई छोड़ दी, फिर बन गया डीसी, उड़े धक्के फिर खाओगा। तो ये अंतिम सांस तक साधना करते रहना होगा, अपने यहाँ से सफल होकर जाना है, तब वहां मिलेगी ये पोस्ट आपको, अमर पद, कहाँ, सतलोक में, सचखंड में। अब क्या बताते हैं, उस परमेश्वर की साधना ना करके आप अन्य साधनाएं करते हो, भक्ति करते हो, उनसे तुम्हें लाभ नहीं होता। अपुणात्माओं, किसी भी संत ऋषि की आप थ्योरी देखो, अपना अनुभव देखो, वो क्या कहते हैं कि जैसा भी किसी के प्रारब्ध में, संस्कार में लिखा हुआ है, वो तो उसे भोगना ही पड़ेगा। एक दुखी प्राणी संकट निवारण के लिए क्या आशा करता है कि भगवान जीव के दुख दूर कर देता है? परमात्मा कहाँ मिलता है? संतों के पास जाते हैं कि वो परमात्मा की भक्ति करके और कुछ शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, और उस शक्ति से वो अन्य को भी सुख देते हैं। इसलिए वो कहाँ कहाँ जाते हैं, कोई ऋषि के पास जंतर मंतर करने वाले के पास, कोई झाड़ फूंक करने वाले के पास, और या किसी साधु संत के शिष्य भी बनकर, जैसे वो बताते हैं, वो साधनाएं करते हैं। और जब उनके संकट दूर नहीं होते हैं तो वो उस स्थान को छोड़ देते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। जैसे कोई मंदिर में जाता है, या कोई गुफाओं में जाते हैं, या कोई पहाड़ों पर जाते हैं, या कि तुलसी जाटी के धागे बांधते फिरते हैं, कोई कहीं किसी तीर्थ स्थानों पर जाते, वहां से कोई लाभ नहीं होता, तो फिर भी ये आत्मा हार नहीं मानती, क्योंकि इसको मालूम है कि एक परम शक्ति है परमात्मा जो सब दुख दूर कर सकता है। उसके लिए फिर कोई बताता है कि हमारे गुरुजी के पास चलिए, आपका सब कष्ट दूर हो जाएगा, वहां भी चले जाते। वो ऋषि गुरुजी संत मंडलेश्वर पहले तो उसके संकट निवारण के लिए कोई ना कोई धर्म पूर्ण क्रिया अवश्य बताते हैं। जब उनसे लाभ नहीं होता है तो फिर वो कहते हैं कि बेटा ये तो तुम्हारा प्रारब्ध का कर्म है, प्रारब्ध माने तेरे भाग्य में लिख दिया गया है, तेरी जीवन हिस्ट्री में लिखा गया है, इसको खत्म नहीं कर सकते, ये तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। आप किसी भी संत ऋषि के पास जाइए, वर्तमान में भी यही सिद्धांत है उन लोगों का, वो कह देते हैं कि देखो कर्म तो तुमने भोगना ही पड़ेगा, कर्म का दंड दुख जो है तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, भक्ति करो आगे जीवन सुखी हो जाएगा। भले पुरुषो, किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो किसी से कहे कि देखो मेरे पैर में पीड़ा हो रही है, कांटा लग के गहरा चला गया, टूट गया, अंदर घुस गया, दिखाई नहीं दे रहा बाहर से, तो जानकार व्यक्ति देख कर बता देता है कि तेरे पैर में कांटा लगा है जिस कारण से तुझे ऐसा है पीड़ा हो रही है। अब वो व्यक्ति ये कहे कि कांटा तो मैं निकाल नहीं सकता, कांटा तो ये निकल नहीं सकता, अब तू जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा, आगे कांटा नहीं लगेगा, क्या ये संभव है? कांटा लगे पैर में जूता कभी नहीं पहना जा सकता, कांटा निकले, पीड़ा नष्ट हो, फिर जूता पहनेगा वो व्यक्ति इस डर से पहनेगा कि कहीं फिर जूता निकाल दिया और जूता ना पहना तो फिर से वो पीड़ा ना हो जाए, कांटा ना लग जाए। तो जिनके ऊपर आपत्तियां, संकट आए हैं, प्रारब्ध के हों चाहे तीन ताप के हों, उनको न तो ये देवता ठीक कर सकते हैं, ना श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी,
उन तीन ताप और श्राप आदि और प्रारब्ध के कर्म को ये नाश नहीं कर सकते, ना ब्रह्म कर सकता यह सर पुरुष नहीं कर सकता, ना ये परब्रह्म कर सकता जिसको अक्सर पुरुष कहा गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन प्रभु बताए। सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष भी नहीं कर सकता, केवल परम अक्षर ब्रह्म परम अक्षर पुरुष कबीर देव आपके उस प्रारब्ध के कर्म को भी नाश कर सकता है, पाप का नाश कर सकता। मासा घटे न तिल बधे बिदना लिखे जो लेख साचा सतगुरु मेट कर भाई ऊपर मार दे मेख। अब साचा सतगुरु यानी देखो यहां नकली सतगुरुओं की कमी नहीं, उनके पास ये जड़ी नहीं, वो पावर नहीं, और परमेश्वर भी स्वयं आते हैं, वो ऋषि संत के रूप में यहां प्रकट होते हैं, उसमें सतगुरु रूप में ही होते हैं वो, और वो हमारे प्रारब्ध के पाप का दंड का नाश करके हमें सदा के लिए सुखी कर देते हैं, फॉरएवर नष्ट कर देते हैं उस किस्मत में लिखे हुए दुख को। तुम कौन राम का जपते जापम तात गुड नाय तीनु तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिनसे तुम्हारे ये तीन ताप भी नाश नहीं हुए, तुम्हारे दुख भी दूर नहीं हुए। अपनात्मा वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहेब है। अब फिर क्या होता है कि जब तक हमें परमेश्वर का सही मार्ग नहीं मिलता, परम संत मिलते नहीं, तो ऋषियों के पास गुरुओं के पास जाते हैं, सभी पहले तो अपने धार्मिक क्रियाएं आपके ऊपर लाद देते हैं, आप भी दुख संकट निवारण के लिए उनको करना प्रारंभ करते हो, अंत में भी आपको ये जवाब दे देते हैं कि ये तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है, ये तो भोगना पड़ेगा। और उदाहरण देते हैं जैसे भगवान विष्णु को श्राप दिया था नारद जी ने कि तू एक जीवन मेरे की तरह पत्नी के वियोग में बिताएगा, और वो दंड वो श्राप वो नारद जी के द्वारा दिया गया श्राप श्री विष्णु जी अपना भी श्राप नाश नहीं कर सके, उसको भी उन्होंने भोगना पड़ा। श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्म हुआ, विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास से 2 वर्ष के बाद ही सीता का अपहरण हुआ और लंका में निवास हुआ। बहुत समय तक वहां युद्ध हुआ, उसके बाद सीता जी को वापस लाए, 1 वर्ष 2 वर्ष के बाद सीता जी को फिर निष्कासित कर दिया। आजीवन श्री राम और श्री सीता जी कभी इकट्ठे नहीं रह सके, बच्चे कहीं आप कहीं, वो प्राणी सुखी नहीं हो सकता। भले ही श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा थे, लेकिन आप कहीं और पत्नी कहीं बच्चे कहीं तो जीव सुखी नहीं हो सकता, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश एक जीव संज्ञा में है, ये परमात्मा नहीं है, पूर्ण परमात्मा नहीं है। अब ये बातें बड़ी खटकती हैं, पहली बार जो ये ज्ञान सुनता हूँ आत्मा को, पुणात्मा इनके इतिहास में लिखा है, इस काल ने ब्रह्म ने विष्णु और ब्रह्मा से कहा शिव पुराण में कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया एक दूसरे ने और तुम युद्ध कर रहे हो, तुम्हारे ये भ्रम का निवारण करने के लिए मैं अब प्रकट हुआ हूं। उनके बीच में जो ब्रह्मा और विष्णु लड़ रहे थे, बीच में स्तंभ खड़ा कर दिया, एक पिलर लिंग खड़ा कर दिया, चमकदार बहुत बड़ा खंबा। तब इसने जाकर कहा था कि तुम ईस नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, ये बहुत गलत किया, अब थोड़ी सी यहां झलक दिखानी पड़ेगी, ना तो ये कुनीन जितनी कड़वी है ये शब्द जो दास ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान नहीं है, क्योंकि ये स्वयं भी अपने कर्म के दंड को भोगा है, और भगवान किसी भी प्रकार का दंड नहीं भोगता, वो तो पाप नाशक है, उनको तो दंड हो ही नहीं सकता, लेकिन दूसरों का भी वो अपने आश्रितों का भी वो पाप नाश कर सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं श्री शिव पुराण। एक समय श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी में इस बात पर युद्ध हो गया, श्री ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास
उनके लोक में, और विष्णु जी आराम से शेष नाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी जी उनके पास बैठी थी और भी बहुत से उनके गण पार्षद साथ में थे। ब्रह्मा जी वहां पर पहुंचे और विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को खड़ा होकर सत्कार नहीं दिया, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तेरा बाप आया हूं, मैं सबका उत्पत्ति करता हूं, मैं ब्रह्मा हूं और विष्णु तू मेरा पुत्र है, तू मेरे आए हुए का सत्कार नहीं करता, तेरे में अभिमान हो गया है, तेरी बुद्धि ठिकाने लानी पड़ेगी। अब विष्णु जी कहने लगा कि मैं तेरा बाप हूं, तू मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, तू अपने आप को कैसे सबका कर्ता मानता है, मैं हूं सबका कर्ता। कहने का भाव यह है कि मैं तेरा बाप, उनका मैं तेरा बाप, दोनों भगवान लड़ पड़े। अपुण आत्माओं, ये इतिहास दास अपनी तरफ से नहीं, लोकवेद नहीं सुना रहा, ये इनके इतिहास में लिखा हुआ सत्य ज्ञान सुना रहा। अब इस सत्र की बुद्धि तो चौथी पांचवी कक्षा के बालका की व्या करे, और वो बच्चे झगड़ रहे होते हैं, टीचर उनको बुलाता है, क्यों झगड़ रहे हो, इधर आओ, क्या कारण है तुम झगड़ रहे हो। वो बताते हैं जी यू ने बोला मैं तेरा बाप है, दूसरा कहता है ना जी पहले यू बोला मैं तेरा बाप है, और दोनों एक कमीज पाट रखे एक दूसरे ने पकड़ के। इसी सत्र की बुद्धि के ये भगवान, ये जिनको हम भगवान कहते थे ब्रह्मा और विष्णु जी, आपके समक्ष करते हैं, देखना इन्हीं के इतिहास में, और इनकी पूजा करके हम अपने आप को मोक्ष, अपना मोक्ष चाहते थे, यही हम भ्रम रहे थे। ये देखिएगा शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग एक खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन से प्रकाशित है। इसके अनुवाद करता है विद्यावृद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, खेमराल श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। इसके देखिएगा यहाँ से विद्वेश्वर संहिता, ये विद्वेश्वर संहिता है, ये 11 पृष्ठ पे शिव पुराण, ये विद्वेश्वर संहिता है भाग एक अध्याय से। नंदीकेश्वर बोले, भगवान शिव का वाहन नंदीकेश्वर, नंदीकेश्वर बोले हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, लेटे हुए थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ, देखिए लेखक की बुद्धि, कहता ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से, अब ब्रह्म ज्ञानी का ज्ञान देखियो आगे ब्रह्मा जी का, अपनी इच्छा से ही वहां आए और सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए, सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन श्री विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो। ब्रह्म ज्ञानी ने नहीं पता तुम कौन हो, अरब मिलन जा रहा, तुम कौन हो, मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, सो रहे हो। हे वत्स, ब्रह्मा जी कहते विष्णु को, हे वत्स, हे बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूड का प्राश्चित होना उचित है, यानी उसकी बुद्धि ठिकाने लानी चाहिए। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर तो गुस्सा हो गया, पर ऊपर तेने दिखाया जी, बोले ब्रह्मा को, बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो, इसमें तुम्हारे नेत्र कुटिल, यानी आंख क्यों टेढ़ी होगी, आंखें क्यों तने लाल कर रखी हैं, और मुख वक्र, और मुंह क्यों टेढ़ा कर रहा तू, क्यों हो रहा है। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स विष्णु, ब्रह्मा जी बोले, बेटा विष्णु,
तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का कर अपना कहते हो, तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो। विष्णु जी कहे, मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ, इसलिए तू मेरा पुत्र है और मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। अब श्रेष्ठ कारण पता लग गया, जो मरना तैयार हो गए। आगे देखो, तब संपूर्ण देवता वो तो लठ बजा रहे हैं आपस में, ब्रह्मा और विष्णु तो मरने कटने को तैयार हो गए, और कहते हैं संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने को चले आए, और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वाह रे देवताओं, पुण्यात्मा, यदि किसी दो व्यक्तियों का आपस में कहा सुनी हो जाती है और सभ्य लोग वहां इकट्ठे हों, तो वो क्या करते हैं, उनका बीच बचाव करवाते हैं, कहीं इनका आपस में झगड़ा होकर चोट ना लग जाए और इनकी मृत्यु ना हो जाए। तो इनको तो देवता कह सकते हैं, जो उनका अरे वाह देवताओं, ये देवता है, मतलब इनको देवता कह सकते हैं, नालायक आदमी। आगे दिखाते हैं, देखिएगा। अब आपको थोड़ा सा मौखिक बताते हैं, फिर आसानी से समझ में आओगी। अब यहां तक तो ये हो गया, दोनों ये लड़ने लगे ब्रह्मा और विष्णु जी, सिर्फ इस बात के ऊपर कि मैं तेरा बाप, वो कह मैं तेरा बाप। अब क्या होता है कि इनके बीच में इनके पिता ब्रह्म ने, जो काल रूपी ब्रह्म कहलाता है, जिसको सदाशिव भी कहते हैं, वो कभी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, वो अन्य रूप बना लेता है, कभी विष्णु का रूप बना कर आ जाता है, कभी शिव का रूप अपने पुत्र का, और कभी ब्रह्मा का रूप बना करके किसी किसी को दिखाई देता है। तो ऐसे इसने सबसे पहले भ्रम पैदा करने के लिए इन दोनों के बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, लिंग बहुत लंबा पिलर तेजो में। तो ये दोनों लड़ाई बंद करके उस पिलर के ऊपर और नीचे के एंड को देखने के लिए चले गए। ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि मैंने एंड देख लिया, इसका अंतिम सिरा देख लिया, और विष्णु जी ने सच्ची बता दी। तो उस समय ये काल प्रकट हो गया, शिव रूप धारण करके जैसे सिर पर जटा, गले में जो है रुद्राक्ष की माला, और ये सर पर लेकर त्रिशूल वहां प्रकट हो गया, तो अपने पुत्र शिव के रूप में। तब इसने दोनों से कहा कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, ये अच्छी बात नहीं, तुम भगवान नहीं हो, तुम ईश नहीं हो। देखिएगा, अब ये समझाते हैं आपको। अब ये प्रश्न नंबर 17 आपको दिखाते हैं, विद्वेश्वर संहिता का शिवपुराण पृष्ठ 17 और विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9। अब यहां नंदीकेश्वर बोले कि इस प्रकार भगवान ने उन अमर हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी, उन सबको अपनी शक्ति से जीवित कर उठाया। उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ, उन दोनों की अज्ञानता, विष्णु और ब्रह्मा की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। ये सुनिए, ये सुनने की बात है 17वें प्रश्न में। अब ये काल इनका पिता कहता है, मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं।
और कोई ईश्वर नहीं है, ये काल कहता मैं ही सब कुछ हूं। इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते, पहला सतम रूप यानी पिलर, पहला सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया, इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, निष्फल नहीं निष्कल है, और ईश्वर ईश रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ है। तुम दोनों ने अपने आप को भगवान मान लिया। तुमने जो अज्ञान से मूर्खता से अपने आप को भगवान मान लिया, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है ये काल भगवान, ये शिव पुराण में लिखा है, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। और उसके दूर करने को ही यानी तुम्हारी बुद्धि को ठिकाने लाने के लिए ही मैं रणस्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ, मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। या देखना, मैं ही परब्रह्म हूं, ये काल मूर्ख बनावे इनको, मैं ही परब्रह्म हूं, मेरा ही कल अकल रूप है, ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं, ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं, अनुग्रह आदि ही मेरा कर्तव्य है, सर्वव्यापी होने से और जगत वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं। हे ब्रह्म केशव, समतव और व्यापक होने से मैं आत्मा हूं, मैं इस सब का ईश्वर हूं, यह मेरा है, मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तव ज्ञान के निमित्त निष्कल रूप का प्रारब्ध हुआ। अब आपको दिखाते हैं ये 18वें पृष्ठ पे, 18वां पृष्ठ हो गया, ये 17वां हमने पढ़ लिया। अब इन विदेश्वर संहिता भाषा टीका टीका 9वां अध्याय खत्म हो गया, अब ये 10वां यहां से प्रारंभ होगा। इस 10वें अध्याय में ये क्या कहता है, हे पुत्रो, ये काल कहता है हे पुत्रो, ये कृत आपने यानी कृत माने ये जॉब नौकरी स्थिति और उत्पत्ति की तप से प्राप्त किया है, यानी तुमने तप करके प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, ये कृत है तुम्हारे, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिए हैं, दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को, अब ये ध्यान से देखना, यहाँ ये पुराण का ज्ञान बोल रहा है जो, यहाँ पर ये इन ब्रह्मा विष्णु महेश और इन रुद्रों से, जो 11 रुद्र हैं उनसे भी भिन्न है, वो काल है और वही किस ब्रह्मांड का स्वामी है। महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। अब ये जो ब्रह्मा जी विष्णु जी और शिव जी और महेश को कह रहा है कि इनको भी मैंने ही एक एक विभाग दिया है और इन सभी ने तप करके प्राप्त किया है, वो चौथा यानी पांचवा कौन है, वो काल है। और वो यहां भी कह रहा है कि मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। ये देखिएगा विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 ही चल रहा है, पृष्ठ 19 पे, ये पृष्ठ नंबर 19 विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10। अब यहां से पढ़ेंगे हम ये 19 पृष्ठ पर, देखिएगा रूप वेश कृत आसन वाहन और आयुध में हमारी क्षमता है। हे सोमे, मेरे ज्ञान के विमुख होने पर, मेरे ज्ञान के विमुख होने से तुम्हें अज्ञानता आ गई, मेरा ज्ञान होने से ऐसा नहीं होता। ज्ञान और रूप महेश के तुल हो जाता है, इस कारण इस ज्ञान की सिद्धि निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो, यह अभिमान दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं,
यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है, उसके स्मरण करने से मेरा स्मरण होता है। अब ध्यान से देखना, ये ओम काल का मंत्र है और ये ब्रह्मा विष्णु महेश काल के पुत्र हैं, ये सिद्ध हो रहा है। उत्तर की ओर मुख से अकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूरब के मुख से बिंदु, मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार पांच प्रकार से यह निर्गत हुआ, सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहिब। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम डिगरनाथ गोस्वामी, मैं उत्तराखंड नैनीताल बिंदु खत्ता का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने 2017 दो नवम्बर को ली थी। सर आपने अभी 2017 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, लेकिन संत रामपाल जी महाराज 2014 से ही जेल में हैं, तो आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आना पड़ा? मैं पहले काफी भक्तियां कर चुका था और मैं बहुत परेशानी में था, मुझे काफी बीमारियां थी, शुगर मेरे को था, मेरे बच्चे सब तड़प रहे थे काफी दिनों से। मैं पहले 5 साल तक शिव साई और बजरंगबली हनुमान की भक्ति करता रहा और उन भक्तियों से मैं बड़ा परेशान हो गया, कुछ नहीं हुआ। जब 5 साल का मैंने ये पीरियड रखा था, ठीक 5 साल होने पर मेरी मिसिज की डेथ हो गई। 3 लड़कियों की मैंने शादी की, तीनों की तीनों वहाँ से घर से वहाँ अपने ससुराल से घर में वापस आ गई। मैं बोला ये क्या हो गया, मैं शिव का बड़ा एक नाम मामी भगत था, मैंने 5 साल का उसमें कसम लेकर के रखा था कि हे भगवान शंकर भोले मेरे बच्चों को ये क्या हो गया, इसके करके मैंने उनकी भक्ति कर रहा था, बजरंग बली की भक्ति करता था। 3 दफे मैं शिरणी में गया, शिरणी में जा करके साईं मंदिर में भी मैंने स्टाम्प लिख करके आया, जो कि स्टाम्प की कापी अभी मेरे पास में है, वहाँ तहसील से मैं स्टाम्प लाया हुआ हूँ। और उसके बाद मैंने फिर दोबारा साईं मंदिर गया, 3 दफे वहाँ गया और मेरे को ये भी बोला गया पंडित जी ने कि आप बजरंग बली निकालो। मैं बजरंग बली की भी मूर्ति मंगाई, घर के अंदर स्थापना की। एक दिन मैं टीवी में देख रहा था कि चैनल के ऊपर जो है संत रामपाल जी का एक भगत शिष्य जो है अपने बारे में बता रहा था। मैं इतना बीमार था, मुझे ये शुगर भी था, 412 ऐसा कुछ शुगर बता रहा था। मैं बड़ा परेशान हूँ और बच्चों के कारण मैं बड़ा परेशान हूँ। और रामपाल जी की भक्ति पर जब मैं आया तो मेरा शुगर भी खत्म हो गया, बवासीर की बीमारी भी मेरे को अपने को बता रहा था, वो भी बोला ठीक हो गया, सारे बच्चों का सब सही हो गया बोला। तो मैंने फिर जब वो खत्म हो, उसके नीचे जो पट्टी आई हुई थी उससे फटाफट मैंने जो है टेलीफोन नंबर ले लिया, मोबाइल नंबर लिया, मोबाइल नंबर में मैंने उसी वक्त जो है फ़ोन करना शुरू कर दिया। हिसार में फ़ोन गया, वहाँ से मुझे जवाब मिला कि ठीक है आप नामदान केंद्र में जाइए। तो उन्होंने मुझे नामदान केंद्र का मोबाइल नंबर दिया। मैं संत रामपाल जी के नामदान केंद्र में नामदान लिया। लेने के बाद जब मैं घर गया, घर जाने के बाद मैंने संत रामपाल जी के उस किताबों के अनुसार जो भी भक्तियां थी मैंने करनी शुरू की और उससे मुझे कुछ फायदा होने लगा। आपने बताया कि आपको बहुत से दुख थे, आप पहले शिवजी तथा साई की भक्ति करते थे और आपके परिवार में दुख ही दुख आए, आपकी तीनों बेटियां भी ससुराल से वापस घर आ गईं, तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? हाँ साहब, मुझे लाभ हुआ। लाभ ये हुआ, सबसे पहले संत रामपाल जी ने मेरे शरीर की जितनी बीमारियां थी सारी दूर कर दी, मेरा शुगर बिल्कुल नॉर्मल कर दिया, जो कि मेरा शुगर 450 निकल रहा था और डॉक्टर ने मेरे को बोला आपको एडमिट होना पड़ेगा नहीं तो आपके गुर्दे सारे खराब हो जाएंगे।
तो वो शुगर आज के दिन मैं यहाँ पर इंटरव्यू में आया हूँ, मैं आज ही शुगर नाप के आया, मेरा एक जबकि 140 तक होना था, मेरा 128 शुगर निकल रहा है, जिसका कि मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। और पहला लाभ ये हुआ कि मैं स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होने के बाद फिर मेरी लड़की, छोटी सी लड़की एक, जो कि जहाँ मैंने उसकी शादी करी थी, उसका आदमी ऐसे नाकामयाब निकला हुआ था कि मैं बड़ा दुख हो गया है, बच्ची की शादी कर रखी है। तो उस लड़की, जब मैंने 2 नवंबर 2017 को रामपाल जी की भक्ति मैंने जब शुरू की गुरु की, तो ठीक 8 नवंबर 2017 को मेरे घर में ऐसे रिश्ते आने लगे कि पूछो मत। संत रामपाल जी को बोला आप जो है आप ही संभालो। वो करने के बाद तुरंत रिश्ता वहाँ पर तय हो गया, और कोर्ट में आकर संत रामपाल जी की दया कृपा से कोर्ट में रजिस्ट्रेशन भी हुआ। फिर ठेक 15 जनवरी 2018 को शादी तय हुई, बड़े अच्छे तरह से संत रामपाल जी की कृपा से वो शादी बड़े सुनसान से, जबकि ये जमाना बड़े शराबियों का कबाबियों का है, लेकिन कृपा गुरु की संत रामपाल जी की कृपा से आराम से शादी हुई, जो कि आज लड़की वहाँ पर खुश है, सुख शांति सुख समृद्धि हो रही है। तो संत रामपाल जी की हमेशा ये कृपा रही। अभी मेरे को केवल 3 महीने ही हुए संत रामपाल जी के कृपा से उनकी भक्ति करते हुए, और मैं स्वस्थ हूँ और मेरी बिटिया की शादी हो गई है। इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए, अभी 3 ही महीने हैं हुए हैं मेरे को ये नाम लिए हुए। अभी तो कई साल, जब तक मेरे घट में श्वास रहेगा तब तक मैं इनको संत रामपाल जी की भक्ति को छोड़ूंगा नहीं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आपको बहुत लाभ मिले, आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया, आपकी बेटी की टेंशन भी दूर हो गई। तो आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जन समुदाय सबको संदेश नहीं दे सकता, पूरे जनता से मैं ये प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप आइए इनकी शरण में। नशा मुक्ति केंद्र भी न जाइए, मेरे नशे भी खत्म हुए, वो तो मैं अभी बता रहा हूँ। मैं एक फूंजी होते हुए एक एक बोतल लेता था पूरी, संत रामपाल जी की कृपा से सारे दुख दूर हुए, सिगरेट बीड़ी शराब का खर्चा भी दूर गया, सारे सही हो रहा, बच्ची की शादी हो गई। मैं पूरी जनता से यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि फटाफट इसमें आइए और इधर उधर न देखिए कहीं भी। सर, संत रामपाल जी महाराज आज जेल में हैं, तो जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, क्या आपके दिमाग में ये नहीं आया कि आप ऐसे गुरु की शरण में जा रहे हैं जो कि आज जेल में हैं? ऐसा है, इसमें हमने अपने दुख दूर करने, उनको जेल में है तो भी उनके शक्ति से हमारे दुख दूर हुए हैं। और मैं ये नहीं मानता हूँ कि वो जेल में है, क्योंकि उनके नाम लेने से मेरे सारे दुख दूर हो गए, और मेरी तरफ से वो जेल में नहीं है, वो हमारे साथ में ही है। तो चाहे वो जेल में हो चाहे वो कहीं हो, उनका नाम लेते ही दुखों का हरण हो रहा है, और वो एक परमात्मा के रूप में हमें देखते हैं, और हमारे दिल में यही है कि एक परमात्मा है। और जेल में तो बहुत ही जेल में रहते हैं, और भगवान रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, फिर भी वो वनवास से लोग उनके उसमें थे, और आने के बाद उन्होंने फिर भी अयोध्या में राज किया और दीपक जलाए, दीपावलियाँ की। वो तो हमारे गुरु तो हमारे नज़र में ही हैं, हम तो उनको हृदय में समाए, हम तो उनको अपने आँखों के सामने देखते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए जन समुदाय को क्या करना होगा? जन समुदाय को जोड़ने के लिए यह करना है, संत रामपाल जी का जो सत्संग आता है, सत्संग में नीचे पट्टियां होती है, उन पट्टियों में नंबर लिखे हुए रहते हैं, उन नंबरों को नोट कर करके फिर उसमें फ़ोन करना, आपको बता दिया जाएगा कि नज़दीकी कौन सा आपका नामदान केंद्र है, वहां आपको बता दिया जाएगा, वहां जा करके आप लोग उनसे जुड़िए। धन्यवाद सर। धन्यवाद।